नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गिरणा पे। मैं हूँ शिफाली और डिस्कशन करेंगे 1 दिसंबर को यूजीसी एनटीए का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली स्पेशल क्लासेस लेती हूँ। स्पेशल क्लास मीन्स की फ्री क्लासेस है और इसके लिए आपको अलग से कोई भी कोर्स लेने की या खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिंक के थ्रू और जो लिंक्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ उनके थ्रू आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का जो लिंक है वो 9 बजे ऑल्टरनेट डे क्लासेस मेरी चलती हैं, यानी कि मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एंड एवरी सेकेंड सैटरडे हमारी क्लासेस चलती हैं। तो क्लासेस के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी का लर्नर एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लें और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद प्रोफाइल को फॉलो करिए ताकि जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं फ्री क्लासेस हैं उनको आप देख सकें, अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकें और भी बेहतर बना सकें। मेक श्योर कि जो टाइम है वो आप ध्यान में रखिएगा। 9 बजे हमारी क्लास है। आज हमारी क्लास हुई थी 1 दिसंबर को, आज हमारी क्लास हुई थी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी परसों यानी कि 3 दिसंबर को। तो परसों वाली क्लास को मैंने स्केड्यूल ऑलरेडी कर दिया है, सो आप उस क्लास में जरूर से खुद को इनरोल कर दें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में मैं ये वाली भी वीडियो डाल दूंगी जिसमें कि इसके पहले जितने भी हमने एनालिसिस किया है वो सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मैंने प्लेलिस्ट में डाली है। सो मेक श्योर कि आप लोग प्लेलिस्ट प्ले सेक्शन को एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। यूजीसी नेट एग्जाम एनालिसिस के नाम से वो प्लेलिस्ट है, एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट है वो आपकी 2021, ठीक है। तो सारे शिफ्टों का जो भी एनालिसिस किया सारी वीडियोस डाल दी है। सोशल मीडिया हैंडल देख ली, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर लिंक पे आपको ज्वाइन हो रहा है क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है क्लास की डिटेल्स एंड बाकी सारी चीज़ें। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, पर्सनली भी आप मेरे से कुछ फीडबैक लेना चाहते हो या सजेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं, लाइक सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ क्योंकि मैं एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पेपर 1 कंप्लीट कराती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला शिफ्ट में ये टॉपिक्स कवर किया था। सो पहले शिफ्ट की बात करें, जो डीआई आई थी वो रेशियो और परसेंटेज बेस्ड डीआई थी। आरसी में जो आपका टॉपिक आया था मार्केटिंग ब्रांड का टॉपिक था और थोड़ी सी लेंदी थी आरसी। और एक क्वेश्चन आपका 10+2+3 वॉज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन, ये क्वेश्चन था। क्लॉक और क्लॉक के एंगल के ऊपर में क्वेश्चन था, एंगल नहीं एंगल होगा। रिसर्च एथिक्स के ऊपर में क्वेश्चन था, सिलॉजिज्म के ऊपर में, और स्पेशली सिलॉजिज्म में कॉन्ट्रेरी और जो सब कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन होता है यानी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को टारगेट किया था। एरिक का फुल फॉर्म ये पूछा था। एंटीवायरस के ऊपर में क्वेश्चन था। फुन की सिक्वेंस पूछा था, फुन आपका इंडियन लॉजिक का एक टर्म है, उसका सीक्वेंस आपसे पूछा था। न्याय फिलोसफी के ऊपर में भी क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन थे, मतलब इंडियन लॉजिक को कवर किया गया था। सोलर वाटर के ऊपर में क्वेश्चन था। नंबर सीरीज में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, आपको आगे की टर्म बतानी थी। जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया है तो वो पूरा नहीं बता पाए, तो आगे की जो टर्म थी वो आपको बतानी थी। डिवाइस ड्राइवर के ऊपर में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज एक्स इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, एवरेज इज इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। एडवाइजरी बस के ऊपर में एक क्वेश्चन था, इफ अ डिजिट इज डबल इन 10 ईयर्स देन इट विल ट्रिपल इन हाउ मेनी ईयर्स, ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में था कि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एडल्ट एजुकेशन किसके अंदर में आता है, एनसीईआरटी, एमएचआरडी, नेपा, एक ऑप्शन और था, उस इन चारों में से किसके अंदर में आता है। डिवाइस ड्राइवर गेट के ऊपर में क्वेश्चन था, या आईसीटी का क्वेश्चन था। लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर में एक सवाल था, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया था, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी आया था, कम्युनिकेशन से भी आया था, लेकिन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, एक्सर्शन रीजन के फॉर्म में था, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ एनालिसिस थी फर्स्ट शिफ्ट की। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया था। सेकंड शिफ्ट में जो टॉपिक्स मुझे मिले हैं और आपके थ्रू पता चला है वो था कि हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर में क्वेश्चन था, प्रॉफिट और इंक्रीज ऊपर में क्वेश्चन था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है तो आपको पढ़ के जाना है जरूर। मुदालियर कमीशन के ऊपर में एक सवाल था, डीआई आई थी, काफी इजी डीआई थी, एवरेज प्रोपोर्शन और रेशियो ही कवर किया था। एक क्वेश्चन था कि चिल्ड्रन पे एक्सपेरिमेंट कौन से रिसर्च के थ्रू में आप करते हो, अगर आप एक शिशु, एक चाइल्ड के ऊपर में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कौन सा आप रिसर्च टेक्निक या मेथड या टूल इस्तेमाल करोगे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, दो और ऑप्शन थे उसमें। मेथनॉल स्प्रे के ऊपर में क्वेश्चन था कि क्या मेथनॉल स्प्रे को इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। आईपी एड्रेस के ऊपर में सवाल था। यूट्रोफिकेशन के ऊपर में क्वेश्चन था, आपका ये पीडीई का क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन। आईपी एड्रेस आपका आईसीटी का क्वेश्चन है, यूआरएल के फुल फॉर्म पूछा था।
एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज मॉर्फीम या मॉर्फोलॉजी के ऊपर में सवाल था, मतलब उसमें इसका डेफिनेशन जैसा कुछ बताना था, उसका फीचर्स उसके उसके बारे में पूछ लिया था कि मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम क्या होता है। बिहेवियरिज्म थ्योरी के ऊपर में एक सवाल था, कॉन्टिन्यूअस एंड स्टेबल, बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंदर में कॉन्टिन्यूअस एंड स्टेबल के ऊपर में एक क्वेश्चन था। टू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड दी हुई थी कुछ 20 या 25 या 50, ऐसी स्पीड दी हुई थी, और उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी थी, मतलब क्या आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का क्वेश्चन था, और इरिक्सन थ्योरी के ऊपर में एक क्वेश्चन था। सो ये कुछ मेरे पास में टॉपिक आए हैं, मतलब लगभग मैं मान के चलूँ यहाँ पे कुछ 10 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक हैं, कुछ यहाँ पे 15, मतलब 16-17 टॉपिक आपके सेकेंड शिफ्ट के मैंने आपको बता दिए, और लगभग 30 टॉपिक के आसपास, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर इधर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 टॉपिक उधर हो गए पहले शिफ्ट में, 21 टॉपिक आपके फर्स्ट शिफ्ट में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15, तो 21 टॉपिक उधर हो गए आपके, इधर टोटल 36 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, 36 से मतलब। और बात करें अगर आरसी की, तो आरसी में 5 क्वेश्चन था, डीआई में 5 क्वेश्चन था, मतलब इसमें 10 और आप ऐड कर सकते हैं। टोटल मैंने आपको बता दिया लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास दोनों ही यूनिट में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो जुड़ जाइएगा, बाकी आप लोग लाइक शेयर तो करते ही हो। बी पैशनेट, बी योर ओन मोटिवेशन। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डाउट है, जरूर से इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा। मेरी प्रोफाइल जो अकेडमी पे है उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर रही हूँ, वहाँ से प्रोफाइल को आप मेरे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट इन गेट सक्सेस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।